नहीं करूंगी, प्रकट नहीं करूंगी। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। साहेबगंज जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां जिला परिषद सदस्य मोनिका किस्कू जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई है, जहां उपायुक्त ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार 14 जून को जिला परिषद अध्यक्ष पद का निर्वाचन होना था। इसके पूर्व जिला परिषद के सभी निर्वाचित सदस्यों को जिला के उपायुक्त राम निवास यादव ने गोपनीयता एवं पद की शपथ दिलाई। इसके बाद अध्यक्ष पद का निर्वाचन हुआ, जहां जिला परिषद सदस्य जो बरहेट प्रखंड के 07 से जीत करके आई है मोनिका किस्कू, उन्होंने सुमी मरंडी को 13-7 वोटों से हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। मालूम हो कि साहेबगंज जिले में जिला परिषद अध्यक्ष को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म था और दो नामों पर लगातार चर्चा हो रही थी, और दोनों बरहेट से ही जिला परिषद सदस्य की महिला उम्मीदवार थी, जिसमें से मोनिका किस्कू प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। और आज 14 जून को समाहरणालय स्थित सभागार में उन्होंने अध्यक्ष पद पर कब्जा किया और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 13-7 वोटों से हराकर अध्यक्ष पद के रूप में निर्वाचित हुई, जहाँ जिले के उपायुक्त राम निवास यादव ने प्रमाण पत्र सौंपा और गोपनीयता और पद की शपथ दिलाई। नाम बोलिए। ईश्वर की शपथ लेता हूं, निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं कि विधि द्वारा संस्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची विश्वास एवं निष्ठा रखूंगा। अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार सभी व्यक्तियों के लिए जो न्याय संगत होगा वही करूंगा। मैं कर्तव्य पालन में अपेक्षा अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसी कोई बात जो मेरे विचाराधीन होगी या मालूम होगी प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा संस्थापित भारतीय संविधान के प्रति विश्वास एवं निष्ठा रखूंगी। अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार सभी व्यक्तियों के लिए जो न्याय संगत होगा वही करूंगी। मैं कर्तव्य पालन में अपेक्षा अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसी कोई बात जो मेरे विचाराधीन होगी या मुझे मालूम होगी प्रकट नहीं करूंगी। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू।